So बेटे द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ऑक्सीडेशन, दीज एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन, दीज आर सर्टेनली ऑक्सीडाइज इन टू एसिड्स, ठीक है, इट विल फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दीज प्रॉपर्टीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट बेटे एज इट विल कम इन सर्टेन लॉन्ग क्वेश्चंस. You have to find the compound from this property. Okay, so understand carefully. So you have any aldehyde, you can take bete any strong oxidizing agent or even weak mild oxidizing agent. Me to aldehyde jo hai, wo bete acids me convert ho jaate hain. To strong to hamare paas bahut zyada hai. जैसे कि नाइट्रिक एसिड हो गया, आप KMnO4 हो गया, पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया, सो ये स्ट्रॉन्ग है. चाहे वीक भी हो तो कोई भी आपका एल्डिहाइड वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाना है. बात है बेटे कीटोन्स की, जो कीटोन्स हैं उनके लिए आप स्ट्रॉन्ग जो है एसिड लेते हो. यू विल टेक स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक नाइट्रिक एसिड या KMnO4 और उनकी ब्रेकेज अकॉर्डिंग टू बेटे पॉपोव्स रूल होती है. सो जस्ट चेक इट आउट द रूल. आई हैव दिस कीटोन, ठीक है, एंड इफ आई विल प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दिस कीटोन विल ब्रेक इनटू टू पार्ट्स, ठीक है, दिस कीटोन विल ब्रेक इनटू टू पार्ट्स. एल्डिहाइड है तो नो ब्रेकेज. एल्डिहाइड कोई भी लो बेटे. For example, I have taken this aldehyde, but then after oxidation, I will get propionic acid. Okay, but if I have this ketone, okay, if oxidation is occurred on this ketone, it will break into two parts. According to rule that is known as Popov's rule, according to that rule. ये जो C डबल बॉन्ड O है उस कार्बन के साथ जाता है बेटे जिस तरफ लेस कार्बन हो. फॉर एग्जांपल ये C डबल बॉन्ड O इस C के साथ जाएगा, इन दोनों कार्बन के साथ नहीं जाएगा, तो ब्रेकेज जो है वो यहाँ पे होगी, यहाँ पे नहीं होगी. अगर बेटे यहाँ पे हो तो आपका एक प्रोपेनोइक एसिड बनता और एक फॉर्मिक एसिड बनेगा, तो ये रिजल्ट नहीं होगा. रिजल्ट क्या होगा कि यहां से ब्रेकेज होगी और ये आपका एक ये भी इथेनोइक एसिड क्योंकि टू कार्बन है और ये भी टू कार्बन है, इट इज ऑल्सो इथेनोइक एसिड, ठीक है, तो यू विल गेट टू मोल्स ऑफ इथेनोइक एसिड. तो ये हेल्प करता है आपको कीटोन फाइंड आउट करने के लिए कि कैसा हमारा कीटोन है. इफ टू मोल्स ऑफ हो ये तो बेटे हमें पता ही है कि तो ब्यूटेनॉन ही बनना है. लेट मी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ पेंटेनॉन. सो वी हैव दिस एंड वी हैव दिस. ठीक है, अब इस केस में यू कैन सी बेटे सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है, ठीक है, दिस सी डबल बॉन्ड ओ एंड हियर इज थ्री कार्बन एंड हियर इज वन कार्बन. तो ब्रेकेज कैसे होगी? ब्रेकेज ऐसे होगी जी कि ये सी डबल बॉन्ड ओ इस वाली कार्बन के साथ जाएगा एंड इट विल ब्रेक लाइक दिस. सो यू विल गेट अ इथेनोइक एसिड प्लस, ये कितने कार्बन है बेटे? दीज आर थ्री कार्बन. यू विल गेट प्रोपेनोइक एसिड. इन दिस केस यू कैन सी इन दिस केस दिस सी डबल बॉन्ड ओ यू कैन ब्रेक फ्रॉम दिस तब भी ये थ्री बनेंगे, इधर से तोड़ोगे तब भी थ्री बनेंगे. तो मींस वी कैन गिव द क्लीवेज टू एनी ऑफ द कार्बन चेन, ठीक, चाहे इधर से तोड़ दो चाहे इधर से. तो रिजल्टेंट विल बी वन मोल ऑफ इथेनोइक एसिड ऑफ टू कार्बन एटम एंड थ्री कार्बन एटम का प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है, गॉट इट? ठीक है बेटे.
yes or no? ओके तो ऐसे आपकी ब्रेकेज होती है बेटे. अगर सिमिट्रिकल है तो किस मर्जी से कर सकते हो, अगर अनसिमिट्रिकल है तो आपका क्लीवेज किस तरफ होगी, जिस तरफ आपके सी डबल बॉन्ड को लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम मिले. फॉर द पॉइंट, यस बेटे. ओके ये कीटोन की बात है. ठीक, अब आ जाओ वेरी इंपॉर्टेंट टॉलरेंट टेस्ट, फेलिंग टेस्ट एंड बेंडिट. फेलिन और बेंडिट सेम होता है. देखो आपको क्वेश्चन आएगा कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो ऑक्सीडेशन जाता है, ठीक है, विद ऑक्सीडेशन जाएगा विद KMnO4. अब KMnO4 के साथ तो दोनों ऑक्सीडेशन जाएंगे बेटे, चाहे एल्डिहाइड है या कीटोन है. अगर आपको आगे लिखे कि इट विल रिड्यूस टॉलरेंट रिएजेंट, अगर ये टॉलरेंट खुद की ऑक्सीडेशन हो रही है तो दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, तो अगर ये टॉलरेंट रिएजेंट को रिड्यूस कर रहा है इसका मतलब ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन नहीं हो सकता. चाहे एल्डिहाइड है चाहे कीटोन है बेटे, ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं. तो उसके बाद आता है बेटे टॉलरेंट टेस्ट. टॉलरेंट टेस्ट में सिर्फ एल्डिहाइड टेस्ट देते, कीटोन नहीं देते. ठीक है, अगर एग्जाम में लिखा हो टॉलन, ये सिर्फ एल्डिहाइड देंगे. ठीक है, एल्डिहाइड. उसके बाद अगर टॉलन के बाद लिखा हो फेलिंग टेस्ट, ठीक है, फेलिंग टेस्ट, तो फेलिंग टेस्ट जो होते हैं वो अकेले एलिफैटिक एल्डिहाइड देते हैं. एलिफैटिक का मतलब है जो चेन वाले, जो चेन वाले हैं. एरोमेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देंगे, विल नॉट गिव दिस टेस्ट. ठीक है, बेंजाइल. एरोमेटिक में क्या आ जाएगा बेटे, बेंजाइल्डिहाइड. तो बेंजाइल्डिहाइड ये वाला टेस्ट नहीं देगा. ठीक है, ना बेंजाइल्डिहाइड फेलिंग देगा और ना ही बेंजाइल्डिहाइड बेंडेड टेस्ट देगा. ये दोनों एक जैसे ही टेस्ट हैं, दोनों का रिजल्ट एक जैसा ही है. ठीक है, दोनों में ही रेड पीपीटी बनते हैं. ठीक है, रिएजेंट का फर्क है तो आपको एक ही टेस्ट लर्न करके रखना होता है फेलिंग. अगर आपको लिखा हो कि फेलिंग टेस्ट दे रहा है, इसका मतलब ये एलिफैटिक एल्डिहाइड है. अगर नहीं दे रहा तो ये एरोमेटिक है. ठीक है, अगर ये टॉलरेंट टेस्ट दे रहा है इसका मतलब ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन नहीं है, ये कीटोन नहीं है. अब टॉलरेंट टेस्ट में होता क्या है, लेट अस सी. टॉलरेंट टेस्ट में आप बेटे एल्डिहाइड को रिएक्ट करते हो सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन के, जिसे कहते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट. अमोनिकल क्यों कहते हैं, हम सिल्वर नाइट्रेट को AgNO3 को हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डालते हैं. ठीक है, किस में डालते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में. तो हमें कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स मिल जाता है, हमें कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स मिल जाता है. वो क्या है, AgNNH3. दिस इज अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स यू आर गेटिंग. ठीक है, अब क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सिल्वर नाइट्रेट डाला है तो आप OH नेगेटिव, दिस इज शोइंग दैट द मीडियम इज बेसिक इन नेचर. ठीक है बेटे, अगेन आपने एल्डिहाइड लिया, उसको अमोनिकल, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का मतलब होता है ये. आपने इसको कहते हैं टॉलरेंट रीजन, कहते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट. वो होता है सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिक्स करके बनता है. ठीक है, तो यू विल गेट सिल्वर, ये कॉम्प्लेक्स है डायमीन सिल्वर का, ये यू विल गेटिंग दिस एंड दिस इज द बेसिक मीडियम यू आर शोइंग विद. ओके, अब इसमें होता क्या है, एल्डिहाइड की तो बेटे ऑक्सीडेशन हो जाती है, किसमें बनेगी, ऑब्वियसली जब एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा. तो वी आर गेटिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हम कुछ इस वे में कार्बोक्सिलिक एसिड शो करते हैं. हम यहाँ पे H शो नहीं करेंगे. क्यों नहीं शो करेंगे,
क्योंकि हमारा जो मीडियम है वो बेसिक है और बन क्या रहा है बेटे, एसिड। जब हमारे पास बेसिक मीडियम में एसिड बनता है तो दोनों रिएक्ट करके ये सॉल्ट बना देते हैं, दिल फॉर्म और सॉल्ट ओवर इट। ठीक है, तो ये एसिडिक फॉर्म में नहीं रह जाता, तो हम इसको एनायन की फॉर्म में यहाँ पे शो करते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपको सिल्वर मिरर मिलता है टेस्ट ट्यूब के अराउंड, ये टेस्ट ट्यूब है, आपको वहां पे टॉलर रिएजेंट पड़ा मिलता है लैब में, आप एल्डिहाइड डालते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको सिल्वर मिरर ऐसे से बिल्कुल हल्का सा जो आपको नजर आना शुरू होता है। ठीक है, इसे कहते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट, टॉलर रिएजेंट वाला। ठीक, और साथ में बाई प्रोडक्ट क्या है, वाटर और अमोनियम। ठीक है, यू विल बैलेंस अकॉर्डिंगली। ओके, समझ आई बेटे? तो हमने क्या किया, हमने टॉलर रिएजेंट लिया, टॉलर रिएजेंट क्या है, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। तो अगर हम सिल्वर नाइट्रेट को अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डालते हैं तो यू विल गेट दिस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एज दिस कॉम्प्लेक्स इज बेसिक इन नेचर, यू हैव सीन वी हैव एडिड बेस इन टू इट, जो एल्डिहाइड से एसिड बनेगा इट विल कन्वर्ट इन टू सॉल्ट, क्योंकि अभी बेस है, तो यहाँ पे आप आर सी ओ ओ नेगेटिव लिखोगे, और साथ में आपको सिल्वर मिरर मिलेगा, वाटर एंड अमोनियम। गॉट इट? यस और नो? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओनली वन इज गेटिंग शुभी, बाकी हम सो रहे हैं। वेयर द रेस्ट? आदित्य है, चलो। और वेयर द मानसी, चरणजोत, टूटू, चरणजोत आर देयर? चरणजोत जस्ट रेज योर हैंड विद योर आईडी। ओके, सो वन वन इज लेफ्ट। ओके, ठीक है, ओके बेटे। सो दिस इज वन ऑफ द टेस्ट विच इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड फ्रॉम कीटोन, एंड दिस टेस्ट इज नोन एज सिल्वर मिरर टेस्ट, एंड द रिएजेंट यूज्ड इज टॉलन रिएजेंट, दैट इज अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, नो, नेक्स्ट इज फेलिंग टेस्ट, इट इज अगेन बेटे फॉर द एल्डिहाइड ओनली, बट दिस टेस्ट विच इज फॉर द एल्डिहाइड, दिस इज ओनली फॉर द एलिफेटिक एल्डिहाइड, नॉट फॉर द एरोमेटिक एल्डिहाइड, दिस इज ओनली फॉर द एलिफेटिक एल्डिहाइड, मतलब चेन वाले। ठीक है, अब इस टेस्ट में अगेन देखो, टेस्ट में होना तो वही है कि एल्डिहाइड है, आप इसमें क्यूप्रिक जो है इन द फॉर्म ऑफ, क्योंकि ये बेटे फैलिंग जो होता है ना वो दो सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है फैलिंग ए, एक होता है फैलिंग बी। जो फैलिंग ए होता है वो कॉपर सल्फेट होता है, और फैलिंग बी होता है एल्केलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ठीक है, जिसे रोशले सॉल्ट भी कहा जाता है। ठीक है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, और जो बैंडिड है उसमें कुछ नहीं है, सेम है, बस सोडियम पोटेशियम पोटेशियम सिट्रेट ले लेते हो। ठीक है, सोडियम पोटेशियम सिट्रेट ले लेते हो, और इसमें सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट लिया जाता है। गॉट इट? तो ये जो है ना दो सॉल्यूशन होते हैं, फैलिंग ए और फैलिंग बी। ठीक, फैलिंग ए तो हो गया कॉपर सल्फेट, और फैलिंग बी हो गया सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ठीक है, तो इन दोनों को ही हम डाल देते हैं हमारे एल्डिहाइड में, जो भी हम डिस्टिंग्विश, मान लो मैंने आपको एग्जाम में, ये प्रैक्टिकल में भी आता है बेटे, ठीक है, मान लो मैंने आपको एग्जाम में वो दे दिया एल्डिहाइड एक टेस्ट ट्यूब में, एक टेस्ट ट्यूब में कीटोन दे दिया, और मैंने बोला कि मुझे बताओ यू हैव टू डिस्टिंग्विश किसमें एल्डिहाइड है किसमें कीटोन है, तो आप ये टेस्ट लगाओगे, फैलिंग ए भी डालोगे, फैलिंग बी भी डाल दोगे एल्डिहाइड में। अब होगा क्या,
ये जो कॉपर टू पॉजिटिव के आयन है बेटे, कॉपर टू पॉजिटिव, ये खुद रिड्यूस हो जाएंगे, मतलब टू पॉजिटिव से इनकी एलिमेंट्री बन जाएगी, ठीक है, खुद रिड्यूस हो जाएंगे, और ये इसको क्या कर देंगे, ऑक्सीडाइज। अब जब ऑक्सीडाइज करेंगे अगेन, ये एल्केलाइन है बेटे, दिस इज एल्केलाइन, मींस आपने कौन सा मीडियम लिया, बेसिक मीडियम लिए, तो हियर आई एम राइटिंग बेसिक मीडियम। तो जो एल्डिहाइड से एसिड बनेगा, दिस विल फॉर्म एसिड अगेन, क्योंकि आपका बेसिक मीडियम है, तो यहाँ पे आप सॉल्ट की फॉर्म में शो करते हो, और जो क्यूपरस क्यूप्रिक है वो क्यूपरस में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव टू से पॉजिटिव वन ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी इसमें, ठीक है। और इसके क्या पीपीटी होते हैं बेटे, रेड पीपीटी, और साथ में आपका वाटर, यू विल बैलेंस अकॉर्डिंगली बेटे, इट इज नॉट बैलेंस, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एल्डिहाइड, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रिक दैट कम फ्रॉम द कॉपर सल्फेट, वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और एल्केलाइन मीडियम जो है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट एल्केलाइन है, बेसिक मीडियम है, तो OH नेगेटिव आ जाएगा, तो आपके पास रेड पीपीटी बनते हैं। सेम बैंड्री टेस्ट होता है, उसमें भी रेड पीपीटी यही होते हैं, रिएक्शन भी आपने यही लिखनी होती है, सेम रिएक्शन भी चेंज नहीं, ठीक है, सेम रिएक्शन इज रिटर्न फॉर बैंड्रेड सॉल्यूशन, ओके, समझ आ गई। तो बेटे वन इज टॉलरेंट टेस्ट, वन इज फेलिंग टेस्ट, दीज बोथ टेस्ट आर फॉर एल्डिहाइड, दिस इज नॉट फॉर द कीटोन। टॉलरेंट टेस्ट इज बोथ फॉर एरोमेटिक एंड एलिफेटिक एल्डिहाइड, फेलिंग एंड बैंड्री टेस्ट इज ओनली फॉर द एलिफेटिक एल्डिहाइड, नॉट फॉर द एरोमेटिक एल्डिहाइड, ओके। हाँ जी, ठीक है, इसको ध्यान रखना है बेटे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट विल कम इन द केस ऑफ एज टू फाइंड आउट सर्टेन लाइक एल्डिहाइड और कीटोन। इसके बाद इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है बेटे हेलोफॉर्म, यू हैव डन इन एल्कोहल फिनॉल ऑल्सो, हेलोफॉर्म, हेलोफॉर्म में भी आपका एल्डिहाइड या कीटोन, इवन एल्कोहल तो अब हमने करना नहीं है, ये तीनों आपको येलो पीपीटी देते हैं। हेलोफॉर्म एक्चुअली सबके लिए होती है बेटे, सारे हेलोजन्स के लिए, पर जब हम आयोडीन के साथ रिएक्ट करते हैं तब हमारे पास क्या मिल जाता है, येलो पीपीटी, ठीक है। होता क्या है, इस रिएक्शन में आपके पास कोई भी मिथाइल, ये जो मिथाइल ग्रुप लगा होना चाहिए, ये सी डबल बॉन्ड ओ के साथ, जैसे कि अगर फॉर्मेल्डिहाइड की बात करूं तो ये रिएक्शन नहीं देगी, इट विल नॉट गिव दिस। अगर मैं एसिटाल्डिहाइड की बात करूं तो ये रिएक्शन दे देगी, ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ के साथ मिथाइल ग्रुप, इसे कहते हैं मिथाइल कीटोन्स, ये रिएक्शन देते हैं, ठीक, मिथाइल, ये भी एक ऑक्सीडेशन है, ये टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन है, जैसे टॉलन है, जैसे फेलिंग है, जैसे बैंडेड है, ये भी बेटे ऑक्सीडेशन की ही टाइप है। इसमें आप NaOH प्लस आयोडीन लेते हो, या NaOH प्लस कोई भी हेलोजन X2, ये रिएक्ट करके आपको NaOX देती है, X का मतलब कोई भी हेलोजन, ठीक है। जब ये देती है तो ये जो मिथाइल पोर्शन है ये हेलो फॉर्म बना देता है, जैसे आइडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, देन ब्रोमोफॉर्म, कुछ भी, और जो बाकी पोर्शन बचता है इधर वाला, वो कीटोन, जो भी एल्डिहाइड है, जो भी आपका है, वो इससे क्या बन जाता है, एसिड अगेन, क्योंकि ये रिएक्शन बेटे बेसिक मीडियम में हो रही है, बेसिक मीडियम क्या है, NaOH। तो अगर आपका कोई एसिड बनता है तो उसका क्या बन जाता है बेटे, सॉल्ट, यू विल गेट सॉल्ट। तो यहाँ पे हम एसिड नहीं दिखाते, हम यहाँ पे सॉल्ट दिखाते हैं, ठीक है, और आपको क्या मिल जाती है, आपको मिल जाती है आइडोफॉर्म,
ठीक है। अब इस हेलो फॉर्म में हम पर्टिकुलरली रिएक्शन करते हैं जब हम एन ए ओ आई से रिएक्ट करते हैं। जस्ट सी, अगर आप आर सी डबल बॉन्ड ओ, फॉर एग्जांपल चलो आर की जगह पे भी मैं चेंज करूं, तो सी एच थ्री सी एच टू सी एच थ्री, तो ये यहाँ से क्लीव होगा जहाँ पे ये लगा हुआ है। तो इसको एन ए ओ आई से ट्रीट करोगे तो यू विल गेट इतना एसिड। अब क्योंकि ये बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है तो एसिड विल कन्वर्ट इनटू सॉल्ट गिविंग यू आइडोफोम, जिसके येलो पीपीटी हैं, दिस इज येलो। तो अगर आपकी कोई भी दे विल नॉट टेल टू राइट द रिएक्शन, दे विल आस्क यू हाउ यू विल डिस्टिंग्विश पर्टिकुलर टाइप ऑफ, ये क्वेश्चन आते हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूं हाउ यू विल डिस्टिंग्विश फॉर्मेल्डिहाइड और इथेनॉल, कोई टेस्ट दो। टेस्ट का मतलब है जब बेटे टेस्ट पूछा जाता है, इसका मतलब आपने कोई प्रेसिपिटेट बनते कोई कलर में चेंज बतानी होती है। That word test means, distinguish test means when you can distinguish by seeing this precipitate or change in the color. तो अगर मैं आपको बोलूँ formaldehyde और acetaldehyde को कैसे distinguish करोगे, तो आप कौन सा test दोगे? आप ये test दोगे, कोई और test बनता ही नहीं है। अगर हम normal oxidation करवाते हैं तो वो aldehyde भी जाएगा, जैसे acetaldehyde भी जाएगा, formaldehyde भी जाएगा। अगर आप टॉलन करवाओगे तब भी एसिटाल्डिहाइड भी जाएगा और फॉर्मेल्डिहाइड भी जाएगा। अगर आप बैंडिड करवाओगे तब भी दोनों जाएंगे, मगर जब हम हेलो फॉर्म करवाओगे तो एसिटाल्डिहाइड पे मिथाइल ग्रुप है वो देगा, मगर जो आपका फॉर्मेल्डिहाइड है वो रिएक्शन नहीं देगा। ये जो डेट टेस्ट है ना वो सबके ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है ज़्यादातर। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट टू डिस्टिंग्विश मिथाइल कीटोन और मिथाइल एल्डिहाइड फ्रॉम नॉन मिथाइल, जिसके पास मिथाइल नहीं है। और ये मिथाइल क्या बनेगी? ये आयोडीन बनेगी, आइडोफॉर्म बनेगी, और जो बाकी है इट विल गिव अस अ ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट दैट इज एसिड, विच विल सर्टेनली रिएक्ट विद द बेस टू फॉर्म अ सॉल्ट। ओके बेटे, गॉट द पॉइंट? Yes or no? It's very important, but that is why I'm taking time for this. ये portion oxidation reactions का बहुत ज्यादा important है इस chapter में, बहुत सारे questions बन जाते हैं। ठीक है, okay? Again, you have four oxidation reactions. इसके अलावा बेटे एक और test है, shift test, वो भी होता है, वो अलग से, उसकी reactions नहीं करनी होती। अगर आपको बाय चांस अगर आप डिस्टिंग्विश आ जाए तो आपको लिखना हो ना, तो वो भी हम लिख सकते हैं, दैट इज ओनली फॉर राइटिंग। बट रिएक्शंस वाले जल्दी समझो, रिएक्शन कौन कौन सी करी है आपने? टॉलरन टेस्ट, जिसमें आपको सिल्वर मिरर मिलता है, तीनों रिएक्शन ऑक्सीडेशन की है, तीनों रिएक्शन में आपका एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो रहा है या हेलोफॉर्म में कीटोन भी ऑक्सीडाइज हो रहा है इन एसिड, एज तीनों की तीनों रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रही हैं, तो जो भी आपका एसिड बनता है यू विल सर्टनली गेट अ सॉल्ट फ्रॉम दैट। ठीक है, यू आर गेटिंग अ सॉल्ट फ्रॉम दैट। ठीक है बेटे, तो यू आर हैविंग, इफ यू आर हैविंग एल्डिहाइड, इट कैन बी फॉर्मेल्डिहाइड और इट कैन बी बेंजेल्डिहाइड, ये दोनों टॉलरन है। अगर पेपर में लिखा हो कि एक एल्डिहाइड है, ठीक है, जो टॉलरन टेस्ट दे रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब वो दोनों हो सकते हैं। आपके आप बोलोगे कोई मतलब आप एलिफैटिक भी है और एरोमेटिक भी है, मगर वो अगर हमें बैंडी टेस्ट नहीं दे रहा, इसका मतलब वो क्या है? एरोमेटिक है। या हमें फैलिंग टेस्ट नहीं दे रहा तब वो एरोमेटिक है, अगर दे रहा है तो वो एलिफैटिक है। समझ आई? इसका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। और टेस्ट देने के बाद अगर वो कोई हेलो फॉर्म रिएक्शन दे रहा है तो आपके दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए कि सी डबल बॉन्ड ओ के साथ सी एच थ्री कहीं ना कहीं लगा है। ठीक है,
इसके अलावा बेटे एक स्विफ्ट रिएजेंट भी होता है, जस्ट उसका आपने ये याद ही रखना है कि उसकी कलरेशन कैसे चेंज होती है, यू हैव टू रिमेम्बर द रिएक्शन. दिस ऑल्सो अ टेस्ट. ठीक है, अब इस टेस्ट में क्या होता है, ये एक पिंक कलर का सॉल्यूशन है. ठीक है, दिस इज पिंक इन कलर. ठीक है, इसको हम सल्फर डाइऑक्साइड डाल के इसका कलर चला जाता है. ठीक है, क्योंकि वो उसको ऑक्सीडाइज करता है. मगर जो एल्डिहाइड है वो इस रिएजेंट को पिंक कलर फिर से दे देते हैं, और जो कीटोन है वो नहीं देते. तो अगेन अगर हमने एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करना हो तो आप बोलोगे शिफ्ट रिएजेंट के साथ एल्डिहाइड है जो पिंक कलर देते हैं या मेजेंटा कलर होता है, और कीटोन्स जो हैं वो ये वाला कलर नहीं देते. ठीक है, ओके. सिर्फ यू हैव टू रिमेम्बर दिस. दिस इज ऑल अबाउट बेटे ऑक्सीडेशन रिएक्शन. नाउ नेक्स्ट इज रिडक्शन रिएक्शन. ये टेस्ट में नहीं आते, डिस्टिंग्विश टेस्ट में नहीं आते, बट इसमें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टू रिएक्शन है. उसमें आता है क्लिम्सन रिडक्शन और वॉल्फ-किशनर रिडक्शन. अब ये होती क्या है, पहले तो हम रिडक्शन डिस्कस करें. जनरली अगर आप एल्डिहाइड कीटोन्स को रिड्यूस करोगे तो यू विल गेट एल्कोहल, इजंट इट. अगर हमारे पास रिडक्शन में अगर मैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट ले लूं, या सोडियम बोरोहाइड्रेट ले लूं, या निकल ले लूं, या प्लैटिनम ले लूं, तो ये सारे क्या करेंगे. देखो मैंने आपको पहले भी बताया बेटे, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होते हैं किसमें, एसिड में, एल्डिहाइड या कीटोन. ठीक है, और एल्डिहाइड कीटोन किसकी ऑक्सीडेशन से बनते हैं, एल्कोहल की ऑक्सीडेशन से बनते हैं. और अगर हम एल्कोहल को, अगर एल्डिहाइड को रिड्यूस कर दें तो हमें एल्कोहल मिलेंगे, एसिड को भी रिड्यूस कर दें तब भी एल्कोहल मिलेंगे. अगर हम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ले लें, अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट ले लें, तो हमें एल्कोहल से क्या मिल जाते हैं, एसिड मिल जाते हैं. ये तो जनरल प्रॉपर्टी है कि बेटे एल्डिहाइड को अगर आप रिडक्शन करवाओगे, मींस अगर आप ऑक्सीडेशन ना करवा के रिडक्शन करवाओगे, तो रिड्यूसिंग एजेंट वही लेते हैं बारी बारी, सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड. ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट लोगे तो आपको एल्डिहाइड से क्या मिलते हैं, एल्कोहल्स मिलते हैं. ठीक है, एल्डिहाइड से क्या मिलते हैं बेटे, एल्कोहल मिलते हैं. मगर इफ यू विल टेक एन अदर रिएजेंट लाइक जिंक एमलगम प्लस HCl, यू विल नॉट गेट एन एल्कोहल फ्रॉम एन एल्डिहाइड. यू विल गेट एन अदर प्रोडक्ट दैट इज एल्केन, एंड दैट रिडक्शन इज नोन एज क्लिम्सन रिडक्शन. ओके, that is known as बेटे क्लिम्सन reduction. Certainly you will get alcohols from aldehyde and ketones by the reduction, but in case of the reagents which are different from the reagent like lithium aluminium hydride or sodium borohydride, you will not get alcohols out of it. You will get what? That is called alkanes. ठीक है, if I will take बेटे this is ketone, okay, और आपके पास zinc Hg है. जब हम mercury डाल देते हैं तो mercury में कभी भी कोई metal डाला जाता है तो that is known as amalgam. ठीक है, so this is zinc amalgam. In presence of HCl you will get alkane. तो ये C double bond O नहीं रह जाएगा, it will change into alkane. For example, if I am having acetaldehyde and I am treating it with zinc Hg plus HCl, so I am getting बेटे ethane. और ये reaction आती है conversions में. अगर आपको कोई भी aldehyde को alkane में convert, देखो या तो ये सीधा लिख देते हैं राइट डाउन द क्लिम्सन रिडक्शन, या कहते हैं जी कन्वर्ट एसिटाइल्डिहाइड इनटू इथेन. अगर हमें कोई हाइड्रोकार्बन बनानी है दैट इज एल्केन फ्रॉम एल्डिहाइड और कीटोन, दैट मींस यू आर डूइंग अ रिडक्शन दैट इज नोन एज क्लिम्सन, और नेक्स्ट इज वॉल्फ-किशनर.
ठीक है, बैट इज क्लिमसन ऑल और वॉल फिशनर लेस देन 1 मिनट. यस बेटे, गेटिंग द पॉइंट. इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज नॉट अ जनरल रिएक्शन. एज यू आर रिड्यूसिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन, यू आर गेटिंग एल्कोहल ऑलवेज. बट इन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिएक्शन यू आर नॉट गेटिंग एल्कोहल्स, यू आर गेटिंग ओनली एंड ओनली एल्केन्स. ठीक है, अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, यू विल गेट एन एल्केन प्लस वाटर, यू विल सर्टेनली गेट. ठीक है, आपने एग्जाम में दिमाग लगाना है. अगेन बड़ी बड़ी कन्वर्जन्स में रिएक्शन इन्वॉल्व होती है. जहाँ पे आपकी एल्केन बन रही हो एल्डिहाइड की टोन से, वहाँ पे क्लिमसन है, वैसे ही वहाँ पे वॉल्फ किशनर है. तो दैट विल डू टुमारो द वॉल्फ किशनर वन एंड लेस देन 1 मिनट इज रिमेनिंग. ठीक है, यू हैव डन टू टाइप ऑफ रिएक्शन. ऑक्सीडेशन में सर्टेनली यू विल गेट एसिड फ्रॉम एल्डिहाइड की टोन, एंड जनरली दिस टाइप ऑफ रिएक्शन अक्कर इन द प्रेजेंस ऑफ a base, so you will get salt over it. ठीक है, and if you will take ketone, ketone हमेशा strong oxidizing agent के साथ react करता है बेटे, weak के साथ नहीं react करता, and it will break according to the Popoff's rule that says that C double bond O group will break towards that carbon atom which go towards that carbon chain which have less number of carbon atom. ठीक है, उसमें ये किया. और reduction में you have reduced in the presence of lithium aluminium hydride and sodium borohydride, then you will get alcohol. But if you are taking this reagent, that is zinc amalgam plus HCl, you will certainly get an alkane from it. Aur ye reaction again bahut important hai bete. Is chapter mein naming reaction, is chapter mein distinguished us bahut padhe hain. Reactivity orders bahut hain. अभी हमने एक reactivity order कर लिया aldehyde ketones का, जिसमें मैंने कहा कि एल्डिहाइड जल्दी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जाते हैं एज कम्पेयर टू कीटोन. और आगे जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड करेंगे वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिविटी, वहाँ पे आपकी एसिडिक ऑर्डर्स बहुत हैं. ठीक है, तो ये पेट क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर्स में से पूछे जाते हैं. ओके, एनी डाउट यू कैन आस्क फ्रॉम योर सेल्फ नाउ, एंड टाइम इज अप, विल डू टुमारो. And today you are having test of coordination, and the test will be shared by 4:00.